जोरदार धमाके से दहल गया कन्नौज के ठटिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले गांव दौलतपुर। पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ जिससे फैक्ट्री की छत गिर पड़ी। धमाका इतनी जोरदार था कि लोगों को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला और छत के नीचे 6 लोग दब गए। धमाके की आवाज सुनते ही आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और खुद भी बचाव कार्य में लग गए। पुलिस की तरफ से बचाव कार्य किया गया जिसमें 6 लोगों को मलबे से निकाल कर लिया गया। एक व्यक्ति को अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। शेष 5 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है जिनको तिरवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। घायलों से मिलने पहुंचे जिलाधिकारी और एसपी ने मामले की जानकारी ली तथा घटनास्थल पर पहुंचे अधिकारियों के मुताबिक घर में सिलेंडर फटने से हादसे की आशंका है। शुरुआती जांच में यही तत्व सामने आया है कि हालांकि उन्होंने घर में वैध पटाखा फैक्ट्री होने की बात भी कबूली कि अधिकारियों का कहना है कि जांच कराई जा रही है। घायलों में पति पत्नी और 2 नाबालिग बच्चे समेत एक युवक गंभीर रूप से घायल है। दिन को गंभीर घायल अवस्था में मेडिकल कॉलेज तिरवा में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। यह थाना क्षेत्र के अंतर्गत दौलतपुर एक ग्राम है, वहां पर आज शाम को एक विस्फोट की घटना हुई है। तत्काल मौके पर मैं और पुलिस अधीक्षक एसपी एसडीएम सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और वहां पर मालूम हुआ है कि विस्फोट होने से 6 लोग प्रभावित हुए जिन्हें तत्काल अस्पताल भिजवाया गया। एक की मृत्यु अस्पताल पहुंचने के पहले ही हो गई थी। 5 लोग घायल हैं जिसमें से 4 गंभीर घायल हैं। एक व्यक्ति से बात हुई है। विस्फोट का कारण अभी बहुत स्पष्ट ज्ञात नहीं हो पा रहा है। मौके पर गैस सिलेंडर का रेगुलेटर और एक छोटा सिलेंडर भी मिला है तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये गैस सिलेंडर के विस्फोट के घटना हुई है। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है, वो विधिवत इसकी जांच कर रही है। क्योंकि इस परिवार में पटाखे का लाइसेंस भी था तो लोग ये शंका व्यक्त कर रहे हैं कि वहाँ पटाखे की भी बात हो सकती है। फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है और वो सारा तथ्य निकाल के अवगत कराएगी कि विस्फोट किस कारण से हुआ है। सर, किस तरह का राहत कर जा रही है? अस्पताल पर पहुंचकर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं वहां सुनिश्चित करा दी गई हैं। डॉक्टर्स तत्काल वहां पर मौके पर पहुंचा दिए गए हैं। वहां ईएमओ थे, बाकी स्टाफ था, लेकिन वहां के प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज से और सीएमएस से बात करके उपचार की सारी व्यवस्था करा दी गई। शुरुआती जांच में सर क्या निकला, क्या कारण? अभी फॉरेंसिक जाँच की टीम जाँच कर रही है। अभी हम लोगों ने जो मौके का मुआयना किया है वहाँ पर प्रतीत होता है कि गैस सिलेंडर फटने से ही ये घटना हुई है, लेकिन विस्तृत आख्या फॉरेंसिक टीम के जांच के पश्चात ही प्राप्त हो सकती है। अच्छा, तो क्या देखा आपने, कैसे आवाज़ सुनी है? कैसे आवाज़ सुनी? एक धमाका हुआ बहुत तगड़ा एक धमाका हुआ। जिससे वहाँ भी जमीन ऐसी पड़ी कि यहाँ भी गई। धमाका हुआ, धमाका से तब तक एक बस निकली थी तो मैंने समझा बस का टायर आगे जल के फट गया, तो हम लोग उधर बस के तरफ गए। बस के तरफ गए, वहाँ बस तो चली गई। जब इधर से आए तो इधर पता चला बिस्मिल्लाह आगे बच गया, आग लग गई। तो हम लोग भाग गए। आज क्या है, मतलब जो है हाँ, तगड़ा जाने के देखिए। रिपोर्ट बाई लखन प्रताप सैनी, समाचार इंडिया न्यूज, कन्नौज।